तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक काफी बढ़िया नेटफ्लिक्स स्पैनिश हॉरर मूवी को, जिसका नाम है डिसअपीयर कम्प्लीटली। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी डिफरेंट है, काफी अच्छा है, आपको देखने में मजा आएगा। चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो ये मूवी एक फेमस कोट से शुरू होती है कि फोटोग्राफी पूरी दुनिया को सिमेट्री यानी कि कब्रिस्तान में बदलती है, और फोटोग्राफर्स को पता हो या फिर नहीं, लेकिन वो एंजल्स ऑफ डेथ हैं, यानी कि मौत के फरिश्ते। खैर मेन कहानी शुरू होती है हमारे मेन लीड सैंटियागो से, जो कि एक क्राइम सीन फोटोग्राफर है, जो कि मर्डर, एक्सीडेंट, ट्रेजेडी वाले केसेस और जगहों में मारे गए लोगों की फोटोज को लेता है। और ये उसका पैशन भी है, लेकिन उसका सपना अपनी फोटोग्राफी से फेमस होने का है, और उसे अपनी खुद की एग्जीबिशन भी लगानी है। लेकिन अभी उसकी फोटोज को कोई सेलेक्ट ही नहीं करता, तो वो एक न्यूज मीडिया आउटलेट के लिए फोटोग्राफी करता है। और उसकी एक कला ये भी है कि वो इस मरे हुए लोगों की फोटो को भी बहुत अच्छे से प्रोसेस करता है और बनाता है। अब इस काम के लिए वो सभी क्राइम सीन्स पर जल्दी और कई बार तो एक्सक्लूसिवली भी पहुंच जाता है, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स भी उसकी हेल्प करते हैं, जो कि उसे घटना की जानकारी और सीन के एक्सेस भी दे देते हैं, और इसके बदले में वो पुलिस ऑफिसर्स को थोड़े बहुत पैसे भी देता है। अब मूवी शुरू ही एक एक्सीडेंट से होती है, जहां पर एक वैले गलती से एक लड़की को हिट कर देता है और वो बुरी तरह से मारी जाती है, जिसकी पिक्चर्स लेकर वो अपने बॉस को दे देता है। उसका बॉस उसके काम से काफी खुश है और उससे और अच्छा काम करने के लिए बोलता है, और जब तक उसे एग्जीबिशन के लिए गैलरी नहीं मिल जाती तब तक तो उसे उनकी ही बात सुननी पड़ेगी। इनफैक्ट वो उसे ये भी ऑफर देते हैं कि वो अच्छी अच्छी फोटोज को लेकर आता रहे, और हो सकता है कि वही उसके लिए एग्जीबिशन अरेंज करवा देंगे। खैर अब देखो, ये कहानी जो है वो दिनों के हिसाब से चल रही थी। त्यागो की मंगेतर मार्से को देख पाते हैं, जो कि एक हेल्थ प्रोफेशनल है, और वो दोनों साथ रहते हैं। तो वो उसे सुबह उठाती है, थोड़ी बहुत बात करती है, और आज शाम को वो डिनर पर जाने का डिसाइड करते हैं। और उन दोनों के अलावा घर में उनका पेट डॉग ज़ॉम्बी भी रहता है। जी हाँ, डॉग का नाम काफी इंटरेस्टिंग है, ज़ॉम्बी। खैर अब सैंटियागो अपने काम पर चला जाता है, जहां पर अपने बॉस से वो बात करता है, और उनके बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। और अब शाम को वो मार्से को डिनर डेट के लिए पिक करता है, और अब वो दोनों आगे बढ़े कि उससे पहले ही उसे एक टिप मिलती है कि सेनेटर के घर पर कुछ हुआ है। अब वो हमेशा अपने काम पर ही ध्यान देता है, और अभी भी उनका मोमेंट था, लेकिन वो अपने काम के लिए ही जा रहा था, जिससे मार्से थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, और उन दोनों की थोड़ी बहस भी होती है, जहां पर वो अपने काम की दुहाई देता है। लेकिन मार्से यहां पर काफी वक्त से यही देख रही थी कि इस काम से कुछ खास पैसे नहीं बनते, और अब वो रिवील करती है कि वो 8 हफ्ते प्रेग्नेंट है। लेकिन ऑब्वियसली सैंटियागो अभी बच्चा नहीं चाहता था, जिससे कि वो अपसेट हो जाता है और मार्से भी गुस्से में घर चली जाती है। खैर सैंटियागो अब क्राइम सीन पर आता है, जहां पर वो पीछे के दरवाजे से घर में एंटर करता है, जहां पर उसे एक पुलिस ऑफिसर सेनेटर की बॉडी के पास मिलता है, और वो बताता है कि सेनेटर मर चुके हैं और उनकी बॉडी कई दिनों से ऐसी ही पड़ी हुई है, जिसे चूहे खा रहे थे। और आज हाउसकीपर ने उन्हें देखकर पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया, और काफी दिन पहले ही वो पागल से हो गए थे, जिन्होंने अपने सभी एम्प्लॉयज को काम से निकाल दिया था, इसलिए ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई नहीं जानता। काफी सीक्रेटिव तरह से हुआ है ये। अब सैंटियागो साथ ही साथ उनकी फोटोज भी लेता जा रहा था, लेकिन तभी उन्हें कुछ आहट मिलती है, जिससे वो दोनों उस साइड देखते हैं, और सैंटियागो गलती से उस साइड की रैंडम फोटोज ले लेता है। अब वो दोनों उस रूम को देखते हैं, तो वहां पर सिर्फ चूहे थे, और अब सैंटियागो फिर से सेनेटर की फोटोज लेने लगता है। लेकिन अब शॉकिंगली वो सेनेटर जाग जाता है और उनसे ये कहता है कि वो उसे खत्म कर दें। खैर अब सेनेटर को हॉस्पिटल भेजा जाता है, और पुलिस ऑफिसर बताता है कि सेनेटर को याद भी नहीं है, उसे होश भी नहीं है कि वो दोनों उसके पास थे, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर सैंटियागो कहता है कि शायद वो ड्रग्स लेता होगा और नशे में होगा, जिसको रैट्स खा रहे थे, लेकिन उसे कुछ भी फील ही नहीं हुआ, जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं था। सोच कर देखो, इंसान जिंदा है, उसे जिंदा ही चूहे खा रहे हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं पता, दर्द का कोई एहसास तक नहीं है। अब सैंटियागो जब वापस आने लगता है, तो उस पर कोई हमला कर देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है, तो उसका सामान चोरी हो चुका था, लेकिन कैमरा का मेमोरी कार्ड अभी भी उसके पास था। अब वो घर आकर फोटोज को प्रोसेस करके अपने मीडिया आउटलेट को भेज देता है और सोने चला जाता है, जहां पर वो मार्से से कहता है कि उन्हें ये बच्चा नहीं रखना चाहिए, और वो जाग रही थी, तो ये बात सुनकर वो काफी दुखी हो जाती है। रीजन ये था कि पैसे उसके पास इतने थे नहीं, तो ऑब्वियसली बात है वो बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं कर पाता, एंड आई मीन ऑब्वियसली वो भी बाप बनने के लिए रेडी भी नहीं था। खैर फिलहाल सैंटियागो सो जाता है, जो कि सपने में देखता है कि वो मारा जा चुका है, जिसकी फोटो वही निकाल रहा था, और अब अलग अलग बहुत
बहुत सारे फोटोग्राफर्स उसकी फोटोज को निकाल रहे हैं और फिर उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है जहां पर उसकी ऑटोप्सी होती है और फाइनली वो अपनी बॉडी देखता है जिसकी आंखें और मुंह लाल धागे से सिले हुए थे। साथ ही साथ सेनेटर के विजन्स भी उसको हॉन्ट करते हैं जिससे डर कर वो जाग जाता है और ये मंगलवार का दिन शुरू हो गया था। अम्मार से काम पर गई थी और सैंटियागो तैयार होने जाता है और देखता है कि ज़ॉम्बी किचन काउंटर के नीचे किसी चीज को देखकर भौंक रहा था और उसे निकालने की कोशिश कर रहा था जिसको वो इग्नोर कर देता है। और अब वो मार्से की सोनोग्राफी देखता है जिससे वो और परेशान हो जाता है क्योंकि उसे बच्चा नहीं चाहिए लेकिन मार्से बच्चे के लिए सीरियस थी। तभी सैंटियागो नोटिस करता है कि उसकी नाक से खून आने लगा है लेकिन तभी उसे एक टिप मिल जाती है तो वो उसको इग्नोर करके क्राइम सीन पर निकल जाता है। यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी को किसी ने स्टैब करके मार डाला था जिसकी बॉडी काफी समय से यहाँ पर पड़ी पड़ी सड़ने लगी थी लेकिन स्ट्रेंजली उसे कोई भी स्मेल नहीं आती और अब वो उस लेडी की करीब से फोटोज लेने लगता है। अब उसकी टी शर्ट ऊपर करके उसके वोम की वो फोटो लेने लगता है लेकिन सडनली वो लेडी जाकर उसे हॉन्ट करती है, उस पर अटैक कर देती है लेकिन हम नोटिस करते हैं कि वो लाश वहीं पर पड़ी है और सैंटियागो को खाली सीजर्स आ रहे थे। थोड़ी देर बाद पैरामेडिक उसे चेक करते हैं और ये कहते हैं कि वो तो बिल्कुल फिट है और सीजर्स क्यों आए उन्हें समझ नहीं आ रहा और सैंटियागो उससे स्मेल वाली बात भी पूछता है लेकिन ये भी उनकी समझ के बाहर थी क्योंकि सैंटियागो को पुराने कोई भी हेल्थ इश्यूज या फिर लक्षण नहीं थे, मतलब जो कुछ भी हो रहा था सब कुछ अचानक से हुआ है। अब वो घर आकर वो फोटोज प्रोसेस करके भेज देता है, साथ ही साथ अब वो खुद भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि उसके साथ अचानक से हुआ क्या। अब इसके बाद अगला दिन यानी कि बुधवार वेंसडे शुरू होता है और वो सुबह उठकर कॉफी पीता है तो उसे कोई टेस्टी फील नहीं होता, कोरोना हो गया था क्या। खैर वो मार्से से मिलने जाता है और वो दोनों बात करते हैं जहां पर वो यही कहता है कि बच्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी उसे बहुत कुछ करना है, जिस पर मार्से कहती है कि उन्हें साथ में 14 साल हो चुके हैं और अब ये बड़ी चीज होने जा रही है। सैंटियागो को लगता होगा कि सब कुछ सही चल रहा है लेकिन सब कुछ सही नहीं है, साथ ही साथ वो चीजें बदलने की बोल रहा है तो वो उसकी करंट जॉब से नहीं बदलेंगी क्योंकि वो इसकी कोशिश काफी लंबे समय से करता आ रहा है और वो इतने टाइम वेट नहीं कर सकती। लेकिन तभी बातों ही बातों में सैंटियागो मार्से को अपने टेस्ट ना फील करने वाली बात बताता है तो वो उसके सारे टेस्ट करवाती है और उसे डॉक्टर से भी मिलवाती है जो कि एक ही बात कहती है कि सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है उन्हें भी पता नहीं है। अब वो घर आ जाता है जहां पर अभी भी ज़ॉम्बी काउंटर के नीचे से कुछ निकालने की कोशिश में था, वो उसको हटाने की कोशिश करता है तो वो उल्टा उसको ही काट लेता है। खैर अब खुद की ड्रेसिंग करके वो ये सारी चीजें चेक करता है कि टेस्ट क्यों नहीं आ रहा तो यहां पर उसे पता चलता है कि कुछ बीमारियां होती हैं लाइक लॉस ऑफ टेस्ट स्मेल ब्लाइंडनेस एंड ऑल, लेकिन सब होती हैं अलग अलग और वो कुछ सोचकर सेनेटर को देखने जाता है तो शॉकिंगली उसके अंदर ये सब बीमारियां थी। साफ शब्दों में ये कहें कि सेनेटर के अंदर सारे सेंसेस खत्म हो चुके थे और अब वो बस एक जिंदा लाश था और यही रीजन था कि उसे चूहों का काटना और ये सारी चीजें कभी पता ही नहीं चली। खैर वो घर आकर सो जाता है जिसे अपने पैरों पर कुछ फील होता है और वो देखता है तो बहुत सारे चूहे उसको खा रहे थे जिससे डर कर वो चिल्लाने लगता है लेकिन ये खाली एक बुरा सपना था। तो उसकी आँख खुल जाती है और वो मार्से को देखता है जो कि मरी पड़ी थी और उसके पेट पर कई बार स्टैब करे गए थे जिसको देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और फाइनली ये भी उसका एक और सपना था जो कि टूट जाता है। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने आखिरी केस में एक प्रेग्नेंट लेडी की लाश देखी थी। तभी सैंटियागो किचन में जाता है जहाँ पर वो बियर पीने लगता है लेकिन तभी बॉटल टूट जाती है जिससे उसे भी थोड़ी चोट आ जाती है। लेकिन अब उसकी नजर काउंटर के नीचे जाती है जहाँ से वो एक मरे हुए मेंढक को निकालता है जिसकी भी आंखें मुंह और पेट लाल धागे से सिले गए थे और अब चीजें उसके लिए क्रीपी होने लगती हैं क्योंकि उसने ऐसी ही सेम चीज अपने सपने में देखी थी। खैर अगला दिन आता है यानी कि थर्सडे और वो अपने दोस्तों को वो फ्रॉग दिखाता है जो कि ये कहते हैं कि ये तो क्लियरली विचक्राफ्ट या फिर उससे भी आगे की चीज लग रही है और वो अंदाजा लगाते हैं कि ये शायद मार्से ने किया होगा लेकिन वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, जिस पर वो लोग ये कहने लगते हैं कि शायद किसी मरने वाले के परिवार ने ऐसा किया होगा जिनकी फोटोज वो अक्सर क्लिक करता है और उस दिन उसका सामान भी चोरी हुआ था जिसमें उसकी आईडी भी थी तो किसी के लिए भी उसका पता जानकर वहां पर आना बहुत ही आसान था और शायद से उसका डॉग ज़ॉम्बी भी यही ढूंढ रहा था। खैर अब ये लोग उसको एक शेमन के बारे में बताते हैं जिससे वो मिलने निकल जाता है और यहाँ पर वो शेमन को सब कुछ बता देता है और वो फ्रॉग को भी दिखाता है जिसके पेट में एक पेपर था जिस पर सैंटियागो के नाम से एक कर्स इनकैंटेशन लिखा हुआ था और अब तो साफ है कि उसे किसी ने कर्स कर दिया है लेकिन ये कर्स इतना हैवी था कि इसको हटाया नहीं जा सकता और वो सीधा मारा जाएगा। अब तभी ये शेमन सैंटियागो से एक और बात बोलती है कि सैंटियागो को खाली यही फील हो रहा होगा कि वो टेस्ट
और स्मेल खो चुका है, लेकिन असल में एक एक करके उसके सारे सेंसेस जा रहे हैं और वो टच और पेन ऑलरेडी खो चुका है। जिसको चेक करने के लिए वो उसके छाती पर जलती हुई सिगार को रख देती है, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं चलता। और अब यहाँ पर सैंटियागो के खाली दो सेंसेस बचे हैं, मतलब अब उसके पास दो ही दिन बाकी थे और उसकी हेल्प करने की खाली एक कोशिश हो सकती है जिसकी कीमत बहुत भारी होगी। और अब उसे तो अपनी जान बचानी थी, तो वो एग्री हो जाता है। और तभी वो शेमन उसे कुछ लाने के लिए कहती है और उसकी जान के बदले में एक सैक्रिफाइस भी लगने वाला था। सैंटियागो अब घर आने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और हम एक चीज नोटिस करते हैं कि इंसानी बॉडी का मेजर वर्क फ्लो सेंसेस पर ही डिपेंड करता है। अगर हाथ या फिर पैर हैं लेकिन उनके अंदर सेंसेस नहीं है, तो एक समय के बाद होते हुए भी उनकी कमी हो जाएगी। मतलब वो बॉडी में रहेंगे तो सही, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो है ही नहीं। अब वो अपने एक्सपेंसिव कैमरा सामान बेचकर पैसे इकट्ठे करता है। शेमन का बोला हुआ सामान भी लेकर आता है और अपने प्यारे डॉग ज़ॉम्बी को स्लीपिंग पिल्स देकर अपने साथ ले जाने लगता है, जिसको वो एज अ सैक्रिफाइस देने वाला था। अब वो उस लेडी से मिलता है जो कि उसे शहर से काफी दूर अपने गुरु शेमन के पास लेकर जाती है, जो कि एक भारी भरकम से रिचुअल करते हैं। सैंटियागो ज़ॉम्बी को अपने हाथों से खत्म करता है, जिसका उसे बहुत दुख होता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। बीच बीच में उसे काफी डरावने विजन्स आते हैं और फाइनली ज़ॉम्बी के खून से उसे नहलाकर ये रिचुअल पूरा होता है। और शेमन उससे कहती है कि अब कर्स खत्म हो चुका है, लेकिन जो सेंसेस चले गए हैं वो अब कभी वापस नहीं आने वाले। अब सैंटियागो घर वापस आता है और आज फ्राइडे का दिन था। तभी वो मार्से से मिलता है, जिससे वो थोड़ी बहुत बात करता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। साथ ही साथ वो बच्चे के लिए भी मान गया था, लेकिन अगले ही दिन उसके कानों में कुछ दिक्कत होती है, जिससे एक बग बाहर आता है, यानी कि एक कीड़ा। और अब जाकर उसके सुनने की शक्ति भी खराब होने लगती है। मतलब जो दो सेंसेस और बचे हुए थे, एक सुनने का और एक देखने का, उनमें से सुनने वाला खत्म हो रहा था और आखिरी एक ही चीज बची है, जिसके जाते ही वो भी खत्म हो जाएगा। अब होता यह है कि तभी वो वापस से उसी शेमन के पास जाता है, जहां पर उसको पता चलता है कि जिस बड़े शेमन ने रिचुअल किया था वो हार्ट अटैक से रात में ही मर गए। और अब शेमन ये कहती है कि उसका कर्ज ठीक नहीं हो सकता, तो जो समय उसके पास बचा हुआ है वो उसको समझदारी से इस्तेमाल करे। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन सैंटियागो को कुछ याद आता है और वो उस दिन सेनेटर के घर की क्लिक की हुई पिक्चर्स को देखता है, तो उसे पिक्चर्स के अंदर एक मास्क फिगर दिखाई देती है। वो सेनेटर के घर जाकर चेक करता है, तो वहां पर भी उसे एक ऐसा ही मेंढक मिलता है जिसके जरिए सेनेटर पर कर्ज छोड़ा गया था। और अब वो अपने दोस्तों से बात करता है, जिन्हें कोई भी आइडिया नहीं होता, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि उसमें और सेनेटर में क्या ही कॉमन हो सकता है। खैर, अब कॉमन तो यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन वो ये जरूर पता लगा लेता है कि पोजीशन के लिए दूसरी सेनेटर ने वो कर्ज उसके ऊपर छोड़ा। और अब वो उस सेनेटर के ड्राइवर से मिलता है, जिससे वो उसके बारे में पूछता है और एक नो मैंस लैंड तक पहुंच जाता है, जहां पर ना तो कोई आ सकता था ना ही वहां से वापस जा सकता था। और दोस्तों, अब यहां पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो असल में उस दिन सेनेटर के घर के अंदर जो रैंडम फोटो उसने क्लिक करी थी, उसके अंदर आया था कोई और नहीं बल्कि खुद डेविल। जी हाँ, वो मास्क वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद डेविल था। तो लोग यहाँ पर असल में डेविल से डील करते हैं, विश करते हैं, उसको वर्शिप करते हैं। तो यहाँ पर उस सेनेटर के ऊपर एक दूसरी सेनेटर ने पोजीशन के लिए सब करवा दिया था, यानी कि जादू टोना करवाया, जो कि होता है इसी मेंढक के जरिए। और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि डेविल अपने डीमंस के साथ, या फिर यूं कहें कि अपने हेल के साथ धरती पर ही है, और वो लोगों से डील के अनुसार उनके शिकार को एक जिंदा लाश बना देता है। लेकिन उस दिन गलती से सैंटियागो ने उसे कैप्चर कर लिया, तो अब वो उसे पूरी तरह से डिसअपीयर कर रहा है। वो नहीं चाहता कि उसके बारे में किसी को पता चले। सैंटियागो अपना विजन भी खोने लगता है, जिसे डेविल जहर देता है और एक डील ऑफर करता है कि वो अपने बच्चे और मार्सी को उसे सौंप दे और बदले में जो उसने खोया है उसको मिल जाएगा। अब सैंटियागो अपने सपने को पूरा करने के लिए ये काम करने के लिए वापस घर पर आता है, लेकिन वो ऑलरेडी अपने डॉग को, अपने प्यार करने वाले को खो चुका था। और अब वो अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड मार्से को और उसके अंदर पल रही नन्ही सी जान को नहीं मार सकता, और वो उसको जहर नहीं देता, जिसके साथ वो फाइनली गायब हो जाता है, यानी कि डेविल ने उसे खत्म कर दिया था। और बूम, इसी के साथ में डिसअपीयर कम्प्लीटली मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डिसअपीयर कम्प्लीटली फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्पैनिश हॉरर मूवी पसंद आई होगी।